30,720 रुपए की राशि 3 वर्ष में, टाइम हमें दे रखा है 3 वर्ष, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना प्राप्त करती है? 1500 रुपए प्राप्त करती है। दर बताइए, रेट हमें फाइंड करनी है। ये एग्जांपल ऐसा है, मैंने दोनों तरीके से सोल्व हो पाया ऐसा एग्जांपल लिया है। जैसे हमारे पास जो ट्रिक क्या है, 3x + 1/x = difference by principal। देखो, अगर इस अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व होगा तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे 3x + 1/x डिफरेंस हमारे पास कितना है, 1500, और प्रिंसिपल कितना है, 30,720। अगर इसे सोल्व करें, वहाँ तक सोल्व करना है ताकि हम प्रॉपर इसका क्या कर पाएँ, क्यूब रूट कर पाएँ। तो इसका क्यूब रूट नहीं हो पाएगा अभी, क्यूब हमें 25 तक अच्छे से याद होने चाहिए, तभी कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन हैं हम इजीली कर सकते हैं। आगे इसको सोल्व करें तो 10 और 2 12, यानी ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो वैल्यू आ गई 50। यहाँ 10 और 24 = 72, ये वैल्यू आ गई। आगे भी ये 2 से कट रहा है, कितना आ गया, 25, और ये 2 से कटेगा तो कितना आ गया, 512। क्या 512 किसी का क्यूब है? बिल्कुल है। किसका? 8 का, यानी एक्स का मान क्या है, 8। अब चेक ये करना है क्या ये ऊपर वाली वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 8 + 24 = 25, ये बिल्कुल 25 सेटिस्फाई कर रहा है। ये कब करेगा? ये तभी करेगा जब हमारे आंसर की जो रेट है उसकी फ्रैक्शन 1/कुछ होगी। अगर ऊपर वैल्यू 2, 3 या 4 हुई तो फिर ये तरीका हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। पर अभी ये इसमें सही कर रहा है। तो अब एक्स का मान कितना आया है, 8। अब गलती एक और हो सकती है, 8 आप देखते ही 8% आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि x क्या आया है, ये फ्रैक्शन आई है, ना कि आंसर आया है। x का मान 8 है, इसका मतलब जो दर की फ्रैक्शन है वो कितनी है, 1/8 है। और दर की फ्रैक्शन 1/8 है तो वो परसेंट 1/8 कितना होता है, 12.5%। और आंसर हमारा क्या है, 12.5% है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो पहला क्वेश्चन मैंने 3 ईयर का समझाया था, वहाँ x का मान 10 आया था। उस टाइम भी मैंने कहा था 10 रेट नहीं आई है, 10 आया है, वो फ्रैक्शन का मान आया है, यानी ये 8 है, ये फ्रैक्शन आई है। क्यों आई है, इस डिटेल से बता चुका हूँ, आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिए, आप पूरे कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो 1/8 यानी आंसर कितना होगा, 12.5% होगा। ये तरीका आप लगा सकते हो। अदरवाइज हमारे पास क्या है तरीका, ऑप्शन का, हम ऑप्शन भी उठा सकते थे। देखिए, ऑप्शन उठाकर हम कैसे जज कर सकते हैं इस चीज़ को। जैसे प्रिंसिपल हमारे पास 30,720 है, अब ये आंसर है ही, तो हम इसी ऑप्शन को उठा लेते हैं, 12.5% रेट मैंने क्या उठा ली, 12.5%। और 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका 1/8 करूँगा। 1/8 अगर हम यहाँ करेंगे तो 8 * 24 = 6 + 8 = 64 + 3 = 32, 3840 रुपये आएगा। यानी यहाँ भी 3840 रुपये और यहाँ भी 3840 रुपये। अब इस ब्याज पर ब्याज लगेगा किस परसेंट से, 12.5% से, इसका मतलब 1/8 करना पड़ेगा। तो 8 + 8 = 32 + 6 + 8 = 64 = 480 आ गया। तो यहाँ भी 480 आएगा और यहाँ भी 480 आएगा, क्योंकि इस वैल्यू का भी 1/8 होगा। फिर इसका आगे 1/8 करना पड़ेगा तो कितना आ गया, 8 * 6 = 48 = 60 आ गया। इस सब को हमने काउंट करना है। तो 4 * 12 = 240 = 1440 + 60 = 1500, यानी इस सबका जोड़ कितना है, 1500, और डिफरेंस हमारे पास कितना है, 1500। तो पहला ऑप्शन 12.5% इसको सेटिस्फाई करता है, तो आंसर है हमारा 12.5%।